हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मूंग दाल समोसा बनाएंगे। उसके लिए चाहिए 2 कप गेहूं का आटा, 1 कप मूंग दाल। 3-4 घंटे पहले इस तरह भिगो कर रख लीजिए मूंग दाल को। तलने के लिए ऑयल, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून राई, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 20 करी लीव्स, 10 हरी मिर्च इस तरह बारीक काट के रखिए, 1 कप आनियन बारीक काट कर रख लीजिए, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोरिएंडर 1/2 कट्टा, 1 टेबल स्पून साल्ट। अगर इससे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू वाले इस बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि बिना सर्च किए हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। ये बिल्कुल फ्री है। चलिए अभी बनाने का तरीका। आप आधा घंटा पहले इस गेहूं के आटे को थोड़ा सा पानी डालकर धीरे धीरे से पानी डाल के मिला कर गून के रख लीजिए। आधा घंटा पहले गून के रख लीजिए, इस तरह गून के रखिए। अभी स्टोव लगा कर कढ़ाई रखिए। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर जीरा, राई और करी लीव्स डालकर, हरी मिर्च और आनियन भी डालकर अच्छे से चम्मच पर 5 मिनट तक हिलाते रहिए। मीडियम आंच रखिए। अभी साल्ट डालिए 1/2 टेबल स्पून। चम्मच से हिलाते रहिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालकर हिला लीजिए। इस तरह हिला लीजिए। अभी इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। हल्दी और जिंजर गार्लिक पेस्ट दोनों डालकर चम्मच से 5 मिनट तक हिलाते रहिए, क्योंकि दाग नहीं लगने दो। इस तरह गोल्डन कलर में आने के बाद इस तरह भिगो कर रखे हुए मूंग दाल को पानी नहीं डालना है, सिर्फ मूंग को निकाल कर इसमें डालकर 2 से 3 मिनट तक चम्मच से हिलाते हिलाते उसके बाद इस पर प्लेट ढक कर रखिए। चाहिए तो आप थोड़ा सा नमक फिर भी डाल ले सकते। पूरा 1 चम्मच नमक लगेगा, 1 टेबल स्पून। अभी इसको मिलाने के बाद इस तरह प्लेट बंद करके रखिए। 10 मिनट तक सिम में रखिए आंच को। अभी 10 मिनट के बाद प्लेट निकाल कर इस तरह मिला लीजिए। अभी स्टोव बंद कर दीजिए ठंडा होने तक। अब फिर स्टोव लगा कर दूसरे कढ़ाई में आप ऐसा ऑयल डाल के रखिए। ऑयल गर्म होने तक आप पापड़ बेल लेते समोसे के लिए। इस तरह आटे का गोला लेकर लंबा करके उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के रख लीजिए। इस पीसेस को इस तरह गोले के जैसा करके इस तरह पापड़ बेल लीजिए मांडे से, बेलन पे से। बेले हुए इसको इस तरह डालकर इस पापड़ को इस तरह त्रिकोणाकार इस तरह करके इसको एक साइड से चिपका कर और दूसरे साइड से ओपन कर लीजिए। इस तरह ओपन करिए। इस तरह ओपन करने के बाद इसमें जो बना के रखी है मूंग दाल फ्राई को इसमें डाल दीजिए। इस तरह इसमें डालकर थोड़ा सा पानी का थेम उंगलियों को करके इस तरह चौफीर इसको प्रेस कर दीजिए। चाहे तो उसको आप ऊपर तरफ पुन्नी भी कर सकते हैं। इस तरह सारे समोसे आप बना लीजिए। अभी तेल भी गर्म हो गया, धीरे से उस तेल में समोसों को एक एक करके छोड़िए।
ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं रहते। इस समोसों को बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे। इस तरह गरम गरम स्वादिष्ट समोसा तैयार है, हरी मिर्च के साथ खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ, लाइक शेयर कॉमेंट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।